आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात अपने देश की। ये तो भारत का लोकतंत्र, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर इतने ज़्यादा राज्य हैं कि यहाँ पर लगातार जो चुनाव प्रक्रिया है वो चलती रहती है। कहीं कभी पर विधानसभा चुनाव, कहीं कहीं विधानसभा चुनाव, तो कहीं कहीं। अभी हाल में 2022 में मार्च में 5 राज्यों विधानसभा चुनाव खत्म हुए, परिणाम आए और परिणाम के साथ साथ अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में फिर चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव हैं और साथ ही साथ गुजरात में चुनाव हैं विधानसभा के, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं और उम्मीद की जाती है कि जम्मू और कश्मीर में भी इस बार नवंबर या दिसंबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। यानी गुजरात में तो है ही, हिमाचल प्रदेश में भी है, जम्मू और कश्मीर भी हो सकते हैं। पर समय एक चुनाव ऐसा है जिसकी भी पटकथा लगातार तैयार की जा रही है और वो भी चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2022 के महत्वपूर्ण चुनाव की, यानी राष्ट्रपति चुनाव की। राष्ट्रपति का कार्यकाल 24 जुलाई खत्म हो रहा है। 24 जुलाई के कार्यकाल के पहले संविधान के अनुच्छेद 65 के मुताबिक कार्यकाल खत्म होने के पहले पहले आपको चुनाव करा लेने हैं और नए राष्ट्रपति की घोषणा कर देनी है। उसका कार्यकाल खत्म होने के बाद अगला राष्ट्रपति शपथ लेगा और देश के प्रथम नागरिक होने का सौभाग्य प्राप्त करेगा और सबसे ऊंची कुर्सी पर आसीन होगा। ये व्यवस्था है संविधान के मुताबिक। तो इसकी तैयारी चल रही है और लगातार इसके माध्यम से तमाम तरह की सरगर्मियां भी देखने मिल रही हैं। चुनाव 18 जुलाई को है, 21 जुलाई को इसकी परिणाम आएंगे और गणना होगी। और महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है क्योंकि 4,809 वोटर, जिसमें सांसद भी होते हैं और विधानसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं विधायक वो भी होते हैं, यहाँ पर जनता को मौका नहीं मिलता, जनता के चुने प्रतिनिधि ही चुनते हैं कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। तो 4,809 यहाँ पर वोटर रहेंगे जो कि सांसद भी रहेंगे, विधायक भी रहेंगे। और अगर इनकी वोटरों की बात करें तो 776 सांसद देश के इस बार राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो वहीं 4,033 विधायक जो हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में अपनी वोट का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। प्रक्रिया गोपनीय रहती है पर इसके साथ साथ जो चुनाव की प्रक्रिया है, राष्ट्रपति चुनाव की, वो बहुत अहम है क्योंकि हमेशा देखा जाता है जो सत्ता पक्ष में होता है उसी का राष्ट्रपति अमूनन बनता है। और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो हमारे देश का इतिहास राष्ट्रपति के मुताबिक बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प यह है कि यहाँ पर सभी वर्गों को जगह मिली और सभी वर्गों के राष्ट्रपति देश में इस देश के प्रथम नागरिक होने का सौभाग्य को प्राप्त किए। अगर हम बात करें 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के राष्ट्रपति बने पहले, और उसके बाद उनका कार्यकाल लगातार दूसरे बार भी शुरू रहा, जारी रहा। यानी 47 में बने, 52 तक रहे, फिर 52 से रहे तो 57 तक, यानी दो बार का कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। और सबसे अहम बात है कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति थे वो 4 भारत रत्न भी रहे हैं, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। और साथ ही साथ यहाँ पर व्यवस्थाएं इस तरह से हैं कि अब राष्ट्रपति चुनाव के लेकर सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। जहाँ पर सत्ता पक्ष अपनी व्यवस्था में लगा हुआ है और लॉबिंग करने की प्रयास किया जा रहा है किस तरह हम जो हमारे सहयोगी दल हैं उनको अपने पाले में करें और राष्ट्रपति चुनाव की जो भूमिका हमने तैयार की है उस पर हमको जीत हासिल हो और हमारे ही दल के मुताबिक जो हमारा दल, जो हमारा सत्ताधारी दल है, वो जो नाम प्रस्तावित करे वही राष्ट्रपति कुर्सी पर आसीन हो। तो वहीं विपक्ष की अलग भूमिका है और विपक्ष लगातार प्रयास कर रहा है कि हम ऐसी एकजुटता दिखाएं और तमाम ऐसे दल हैं जो कि सत्ताधारी दल के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी अपने पाले में कर और राष्ट्रपति चुनाव में एक ऐसा चमत्कार करें, ऐसा प्रदर्शन करें जिसको लेकर सत्ता पक्ष एक चौंक जाए, जिसकी रणनीति बनाई जा रही है। रणनीति ऐसी बनाई जा रही है कि आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई विपक्ष की बैठक हुई और बैठक की अगुवाई की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, उन्होंने अगुवाई की और इस अगुवाई में, इस बैठक में देश की बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हुई। चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे RLD की बात करें, चाहे PDP की बात करें, चाहे शिवसेना की बात करें, चाहे जो बड़े बड़े दल हैं वो सारे दल इस बैठक में शामिल हुए।
खासतौर पर इस बैठक में यह है कि जो अन्य दल है, अकाली दल की बात करें, बीआरएस की बात करें, बीजू जनता दल की बात करें और बहुजन समाज पार्टी की बात करें और आम आदमी की पार्टी की बात करें, ये पांच दल ऐसे थे जो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि कारण बताया गया कि उनके कुछ अन्य कारण थे जिसके चलते वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, पर कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो है कि भाई इतनी बड़ी बैठक थी और जहाँ पर ममता बनर्जी अगुवाई कर रही थी, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, और उनकी अगुवाई के चलते भी यहाँ पर व्यवस्था देखी गई कि यहाँ पर लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया गया, और प्रयास किया गया एक नाम पर सहमति बनाने का, दो नाम पर सहमति बनाने का। हालांकि पहले सहमति शरद पवार के नाम की चल रही थी, उनका प्रस्ताव भी दिया गया था, पर प्रस्ताव के बाद शरद पवार ने इसको मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति पद के इच्छुक नहीं हूँ, मैं राष्ट्रपति बनना नहीं चाहता हूँ। उन्होंने इसके बाद इस बात को टाल दिया। उसके बाद जो व्यवस्था रही, उस व्यवस्था के तहत अन्य नाम पर भी विचार किया गया। कहा गया कि गोपाल गांधी के नाम पर विचार होगा, इसके अलावा कहा जाने लगा कि किसी अन्य नाम पर भी हम विचार करेंगे, और जो सहमति थी वो विशेष नाम पर नहीं बन पाई, क्योंकि सहमति केवल और केवल यहाँ पर शरद पवार के नाम की बनी थी, और शरद पवार ने जब इसके बात के ट्वीट किया, मना कर दिया, तो ये सहमति भी असहमति बदल गई। इस बैठक में अमूमन देश के सभी पार्टियां ममता बनर्जी की बुलाने पर आई थी, जो कि विपक्ष में इस समय केंद्र सरकार के खिलाफ है। भाई खिलाफ इसलिए है क्योंकि उन सारी पार्टियों का अस्तित्व इस समय एक संकट में है, और संकट में चलते वो इस प्रयास में है कैसे एकजुट होकर बीजेपी की गति को रोका जाए, बीजेपी का जो गतिमान रथ है इसको रोका जाए, कैसे रोक सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर संयुक्त रूप से एक बैठक की गई, जिसको मैंने आपको बताया ममता बनर्जी द्वारा बैठक को एकजुट करने का प्रयास किया गया, पूरे विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया गया। और अगर राष्ट्रपति इलेक्शन की बात करें तो 4809 वोटर चुनाव का फैसला करेंगे और देश का 15वां राष्ट्रपति चुनेंगे। वैसे 15वां राष्ट्रपति चुनने की बात सही है, पर इसमें भी अगर हम कुछ कार्यवाहक को जोड़ दें तो ये देश का 17वां राष्ट्रपति होगा। यहां व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो यहां पर जिस तरह से चीजें चल रही हैं और यहां पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के प्रयास में है, पर यहाँ पर यह भी देखा जा सकता है कि यहाँ पर एकजुट करने का प्रयास केवल राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं है, यहाँ पर रणनीति 2024 के चुनाव को लेकर भी है। किस तरह हमको, ये तो एक केवल बहाना है, राष्ट्रपति चुनाव केवल बहाना है। जिसका भी वोट बैंक ज़्यादा होगा, जिसके भी सांसद और विधायक ज़्यादा होंगे, निश्चित तौर से वही बात है कि राष्ट्रपति भी उसी दल के प्रस्तावक राष्ट्रपति की कुर्सी पर आसीन होते हैं, जिसका वोट बैंक ज़्यादा होता है, जिसकी सांसद ज़्यादा होते हैं और जिसके बड़ी आबादी वाले राज्यों में विधायक होते हैं। भाई मतमूल्य ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा, और लाभ के चलते यहाँ पर व्यवस्था ऐसी रहती है कि तभी वो उस कुर्सी पर आसीन हो सकता है। तो मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सभी दल अपनी अपनी जोर अजमाइश पे लगे हैं। जाहिर तरफ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी राजग जो गठबंधन है, वो अपने सारे सहयोगी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति बना रहा है, किस तरह हमको आगे बढ़ना है, किस तरह हमको बेहतर करना है, और राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रस्तावक को जिसको प्रस्तावित करेंगे वही उस कुर्सी पर, महत्वपूर्ण कुर्सी पर बैठेगा, और इसकी रणनीति बनाई जा रही है। तो वहीं विपक्ष द्वारा रणनीति बनाई जा रही है। अब राष्ट्रपति चुनाव की अगर हम बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इसलिए भी है क्योंकि ये वही राष्ट्रपति चुनाव है जहां पर 4 मुस्लिम लोग भी राष्ट्रपति बने हैं। ये वही राष्ट्रपति चुनाव है जहां पर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल एक महिला राष्ट्रपति के रूप में देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। ये वही राष्ट्रपति चुनाव है जहां पर 4 भारत रत्न लोग राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण और प्रथम नागरिक की कुर्सी पर बैठे। ये वही राष्ट्रपति चुनाव है जिसमें APJ अब्दुल कलाम जैसे देशभक्त और संकल्प से पूर्ण वैज्ञानिक भी प्रथम नागरिक के रूप में शोभित हुए। चुनाव महत्वपूर्ण है और इस चुनाव के माध्यम से विपक्ष को एकजुट करने का जो प्रयास किया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहल की गई है, यहाँ पहल की गई है सारे दलों को एक साथ करने की। पर यहाँ पर सुगबुगाहट ये भी है कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजू जनता दल, अकाली दल और बीआरएस ने नया जाकर उस बैठक में नहीं शामिल होकर कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट की है कि उनका प्लान हो सकता है कुछ और हो, या उनका तरीका हो सकता कुछ और हो, या हो सकता उनकी योजना कुछ और हो। क्योंकि यहाँ पर सभी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है और ये भी देखा जा रहा है कि इस विपक्ष की मीटिंग में जो भी दल आए थे उनके साथ इस चुनाव पर घोषणा, इस चुनाव पर प्रस्ताव की भूमिका तैयार करने के साथ साथ ये कहा गया कि हम सभी विपक्ष को संयुक्त रूप से लड़ना नहीं है और संयुक्त रूप से हमको यहाँ पर एक उम्मीदवार को घोषित करना है, यानी कोई भी उम्मीदवार अलग से लेके नहीं आना है, एक उम्मीदवार हमको विपक्ष के रूप से वहाँ पर उतारना है जिससे कि हमारा उम्मीदवार या हमारा प्रस्तावित उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद की कुर्सी पर बैठाया जा सके, ये प्रस्ताव है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक व्यवस्था और अजमाई गई थी वो अजमाई गई थी कि 2024 के चुनाव को देखते हुए किस तरह से हम ताकत दिखा पाए कि किस तरह से लोग हमारे साथ हैं, किस तरह से अलग अलग पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, वो दिखा। पांच दल अगर छोड़ दे तो लगभग लगभग सारे दल जो कि भारतीय जनता पार्टी से अलग है वो इस बैठक में शामिल हुए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे आंध्र प्रदेश की बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, चाहे कर्नाटक की बात करें, तमाम जगह के बड़े बड़े दल जो नेता थे वो इस कार्यक्रम में शामिल, इस बैठक में शामिल, और ख़ास तौर पे कांग्रेस। कांग्रेस महत्वपूर्ण दल है, राष्ट्रीय दल है, और दल होने के चलते उसके भी तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें जयराम रमेश भी शामिल रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल रहे। बैठक हुई, चर्चा हुई, साथ ही साथ इस बैठक के माध्यम से आगामी चुनाव को देखते हुए बात की गई कि 2024 के चुनाव में हमको किस तरह से विपक्ष को एकजुट रखना है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी से बेदखल करना है तो इसके लिए सारे विपक्ष को एकजुट आना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर पटकथा दूसरी है, रूपरेखा दूसरी है, और माना जा सकता है केवल राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से ही विपक्ष को एकजुट किया जा सकता है। हालांकि पांच दल उसमें नहीं आए, उनकी क्या मंशा है, उनकी क्या योजना है, उनकी क्या रणनीति है, वो अलग बात है। पर यहाँ पर जो दल ममता बनर्जी की बैठक में शामिल हुए उससे एक संदेश तो स्पष्ट हो गया है कि 2024 के चुनाव हल्के में नहीं लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यहाँ पर विपक्ष को एकजुट करने में लगी हैं, चर्चा में लगी हैं, और जिस तरह से उन्होंने हर पार्टी के जो अगुवा का जो भी नेता थे उसका स्वागत किया, वो एक स्पष्ट संदेश जाता है कि यहाँ पर बहुत तरीके से अब और बंदोबस्त और बहुत व्यवस्था के साथ लोगों को समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि किस तरह हम लोग संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। भाई पश्चिम बंगाल का जो अभी हाल का ही 2021 चुनाव हुआ था, वो चुनाव हमने स्पष्ट कर दिया था कि ममता बनर्जी राजनीति की कमजोर खिलाड़ी नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तमाम केंद्रीय मंत्रियों सहित अमित शाह की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, सभी लोगों ने वहाँ रैलियाँ की, और रैलियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सीटें जरूर बढ़ी, मैं मानता हूँ सीटें बढ़ी हैं और कई गुना बढ़ी हैं, पर जिस तरह से बीजेपी उम्मीद लगा के बैठी थी कि हम पश्चिम बंगाल में एक चमत्कार करते हुए सरकार बनाएंगे, वो सपना बीजेपी का पूरा नहीं हुआ। और इसका श्रेय साफ साफ लगता है कि ममता बनर्जी का जो जादू था पश्चिम बंगाल में वो कायम रहा और दोबारा उनको बंगाल की कुर्सी मिली। पर इस जगह पर आप एक चीज और भी समझ सकते हैं कि अगर भारत में राष्ट्रपति चुनाव की हम पटकथा को देखें तो चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हमेशा से रहा है, और यहाँ पर किसी धर्म विशेष की पटकथा नहीं रही, किसी कोई धर्म बेस ही रहो, यहाँ पर मुस्लिम धर्म से भी राष्ट्रपति रहे या हिंदू धर्म से भी राष्ट्रपति रहे, यहाँ पर सभी लोगों को बारी बारी से देश के प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त हुआ, और जो संविधान व्यवस्था है उसको चलाने का भी लाभ यहाँ पर लोगों को मिला, कोई वैज्ञानिक भी आसीन हुआ तो कोई शिक्षाविद भी इस कुर्सी पे आसीन हुआ, कोई राज्यपाल भी इस कुर्सी पे आसीन हुआ तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी भी इस कुर्सी पे आसीन हुआ,
किसी को देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त हुआ, तो किसी को कार्यवाहक बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ये है कि राष्ट्रपति चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, और चुनाव के माध्यम से जहाँ सत्ता पक्ष एक तरफ पूरी व्यवस्था को चाक चौबंद करने में लगा है, तो विपक्ष अब एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, और विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जैसा कि आज उन्होंने प्रयास किया, आज इनकी बैठक की, और बैठक के माध्यम से उन्होंने दिखाया किस तरह से विपक्ष इस समय राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एकजुट है। 5 दल नहीं आए कोई बात नहीं, पर बाकी दल की एकजुटता एक बार साफ कर रही थी कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और रोचक भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष पूरी ताकत लगाएगा किस तरह से सख्त रूप से हम एक उम्मीदवार उतारें और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कड़ी टक्कर दें। चुनाव महत्वपूर्ण है और फैसला जनता के प्रतिनिधि करेंगे। आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा, और एक बात भी स्पष्ट होगी कि देश के प्रथम नागरिक होने के बाद अब कौन इस कुर्सी का कार्यभार संभालेगा, क्योंकि चुनाव हमारे देश में होते रहते हैं, बड़ा लोकतंत्र है, बड़ी प्रक्रिया है, विधानसभा चुनाव भी होते रहते हैं, नगर पंचायत चुनाव भी होते रहते हैं, नगर निकाय चुनाव भी होते रहते हैं, और तमाम यूनियनों के चुनाव भी होते रहते हैं। चुनाव की जो परंपरा है वो हमारे देश में सतत जारी रहती है। हालांकि प्रयास जरूर किया जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन की यहाँ पर व्यवस्था लगाई जाए, लागू किया जाए, पर वो अभी फिलहाल दूर की कौड़ी है, क्योंकि आने वाले समय में किस तरह से चुनाव और होते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की पटकथा पूरी हो पाती है नहीं हो पाती है। फिलहाल अभी जो 2022 है, 2022 में गुजरात, हिमाचल प्रदेश और हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी रोचक चुनाव देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आने वाला 18 जुलाई को जो चुनाव होगा वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि वो चुनाव फैसला करेगा कि देश का प्रथम नागरिक अब कौन बनेगा। सत्ता पक्ष अपनी मेहनत में है तो विपक्ष अपनी मेहनत में है, और आने वाले समय में इस चुनाव को रोचक करते हुए जो भी इस प्रथम नागरिक कुर्सी पर आसीन होगा निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट करेगा तो जीतेगा तो लोकतंत्र ही, वोटिंग होगी और वोटिंग के माध्यम से हमारे सांसद और हमारे विधायक हमारे देश का प्रथम नागरिक चुनते नजर आएंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए मनुति, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।